शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। यह फिल्म पहले 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन शूटिंग पूरी न होने की वजह से फिल्म इसे 6 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज करने का फैसला लिया गया था। हाल ही में इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। दावा किया जा रहा था कि फिल्म की रिलीज डेट को अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच अल्लू अर्जुन के प्रवक्ता ने फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। 123telugu.com के मुताबिक अल्लू अर्जुन के प्रवक्ता ने फिल्म पर जानकारी देते हुए कहा है कि सुकुमार ने फिल्म के पहले भाग का संपादन शुरू कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए यह फिल्म सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अल्लू के प्रवक्ता की इन बातों से अब फिल्म के टलने की अफवाहों पर विराम लग गया है। वहीं प्रशंसक सेट पर शामिल होने के लिए अल्लू अर्जुन के वतन लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बड़े बजट की फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में फहेद फाजिल, अनसुया भारद्वाज, राव रमेश, सुनील और जगदीश जैसे कलाकारों की भी मौजूदगी है। मैत्री मूवी मेकर्स ने इस अखिल भारतीय मेगा बजट की फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म को देवी श्री प्रसाद ने अपने संगीत से सजाया है।